हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो यार मम्मी जस्ट अभी चाय दे गई हैं, ये पी लेते हैं। इसके बाद यार कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब पियेंगे नहीं, कुछ खाएंगे फिर नहाएंगे। यार थोड़ा यार लेट हो जाता हूँ यार उठने में, रात को लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, ये दिक्कत को सुधारना पड़ेगा। तो यार अभी का मौसम थोड़ा ठीक है डेली के मुकाबले। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी धूप है, ज़्यादा नहीं है पर स्टिल सही है। मतलब अभी ठंड नहीं है, अगर मैं हाफ स्लीव्स में जैसे हूँ ना बाहर तो मेरे को ठंड नहीं लग रही है। तो आज का मौसम बिल्कुल ठीक है। अब रात को अगर बिगड़े तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि रात को दिल्ली में तो बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। मेरे दो चार दोस्तों ने मुझे बताया था, आपको ही पता होगा अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो देखते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। तो बस ये देखने आया था मैं बाहर। तो यार मेरे पराठा आ चुका है, ये रहा। मम्मी कहती थोड़ी देर में चाय बना दूंगी, कुछ काम हो रहा अभी किचन में, भाई मतलब खाना वाना बना रहे हैं। तो और मम्मी कह रही समोसा खाने का मन कर रहा है, तो देखो भाई लेकर आता है कि नहीं समोसा। मेरा भी मन कर रहा है, क्योंकि चाय और समोसा मिल जाता फिर मज़ा ही क्या। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं बाहर का खाया नहीं, दी होती है तो उनके साथ तो हर रोज़ ही बाहर का खा रहा होता हूँ मैं, पर आजकल घर पे हूँ तो घर का ही खाना खाना पड़ रहा है। थोड़ा सा सैड हो रहा हूँ, बट कोई नहीं, अपना फेवरेट ही मिल रहा है घर का भी। तो यार अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि समोसे भाई से मंगवाएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। अब मैं ही जा रहा हूँ, लिफ्ट ना बड़ी धीरे चल रही है, डर लग रहा है इसमें, इतनी धीरे धीरे बंद हो रही थी अभी, आपने देखा होगा। उनका पता नहीं कुछ ना हो जाए यार लिफ्ट में, वैसे ही फंसने में डर लगता है, सांस वास आए कि नहीं। तो मैं जा रहा हूँ समोसे और ब्रेड पकौड़े लेने, यहाँ पे हमारे एक रतन डेरी है, आपको दिखाई दिए व्लॉग्स में स्टार्टिंग में, तो बस वो लेने जा रहा हूँ यार। नहाया भी नहीं हूँ, पहले घर जाके समोसे और चाय वाय पीऊँगा, उसके बाद नहाऊँगा सीधा। तो अभी का तो देखो सीन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा दूर है, मतलब 1-2 मिनट लगेंगे। तो अपनी स्कूटी आ चुकी है देखो, जिसकी भी सर्विसिंग करवानी है तो बस इससे निकलते हैं। नीचे थोड़ी हवा चलती है, मैंने कहा था ना कि ठंड नहीं, थोड़ी सी ठंड सी लग रही है, मतलब ठंड इन द सेंस वैसे ही ठंड नहीं, मतलब हवा चल रही है तो धूप का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आ तो गया हूँ मैं डेरी दुकान, हमारे यहाँ की रतन डेरी, तो बस इनसे पैक करवाता हूँ समोसे, ये बना रहे हैं, पैक करवाता हूँ फिर निकलता हूँ सीधा घर के लिए। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि पोपट हो गया यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ, उनके पास गर्म समोसे नहीं है, कह रहे आधे घंटे बाद आना तब आपको गर्म समोसे मिलेंगे। अब आधे घंटे का कौन वेट करे यार, तो मैं दूसरी दुकान पर जा रहा हूँ, वहाँ पर भी अच्छे मिलते हैं तो उनसे समोसे पैक करवा। तो यार समोसे लेने तो मैं आ चुका हूँ येरी दुकान समोसे वाले भैया की, तो इनसे समोसे वमोसे पैक करवा लेता हूँ फिर निकलता हूँ, समोसे पैक करके बढ़िया समोसे बनाते हैं। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट ख़राब हो चुकी है, कोई हो रहा है, देखो भैया ठीक करने आ रखे हैं लिफ्ट को, मैं कह रहा था ना धीरे चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो एक भैया ये रहे, एक भैया ये रहे, ये लिफ्ट को ठीक कर रहे हैं। अपने समोसे तो आ चुके हैं और ब्रेड पकौड़ा गरम गरम भैया तल रहे थे, मैंने आपको दिखाया था। और मैंने आपको बोला था ना लिफ्ट ख़राब हो रही है, देखो वही हुआ, मैं बोल रहा था ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे थे, तो वो भैया भी कह रहे थे कि आज तो गेट ठीक नहीं हुआ, अब कल ही होगा, आज ऐसे ही रहेगा, अभी जस्ट वो बोल रहे थे मुझे। क्या हट गया? अच्छा उतर गया, निकल गया। तो मम्मी देखो चटनियाँ डाल रही हैं, ये हमारे समोसे और ब्रेड पकौड़ा, ये चाय बन रही है, मम्मी पन्नी फेंकने गई हैं, तो ये डाल दो अपनी प्लेट में फिर खाते हैं। तो यार अपना समोसा तो आ गया, मैं कुछ इस तरीके से खाता हूँ, तोड़ फोड़ के दोनों चटनियाँ डाल के, चाय मम्मी बना रही है, फिर चाय के साथ में अपना ब्रेड पकौड़ा ले लूँगा। तो यार अपना समोसा तो खा लिया मैंने, अब ब्रेड पकौड़ा एंड चाय ले लेता हूँ, गिरी मिर्च चाय, गिरा मिर्च ब्रेड पकौड़ा, इसको खा लेते हैं, उसके बाद नहाने जाएंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 8 एंड मैंने जस्ट अभी पूजा करी है एंड मम्मी ने ये बना के दी है, मतलब चाय बना के दी है और क्या बना के देगी, तो ये पी रहा हूँ एंड नमकीन खाता हूँ, मन कर रहा था नमकीन खाने का तो वो खाता हूँ। बाकी इस टाइम थोड़ी सी ठंड हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड प्लीज़ गाइस घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, एंड कीप सपोर्टिंग। तो यार मम्मी ने आज बनाया ये
काइंड ऑफ फ्रेंच फ्राइज, देसी फ्रेंच फ्राइज जो चीकू को बड़े पसंद है वो बहुत खाता है, आपको तो पता होगा, आपको मैंने बता रखा है। तो ये खा लेता हूँ फिर थोड़ी देर बाद खाना वाना खाऊँगा, पहले ये ख़त्म करता हूँ। तो यार टाइम हो रहा है 12 एंड मेरा खाना आ चुका है, परौंठी अचार लिए आज और मटर पनीर, मटर कम है इसमें शायद, कम है कोई दिक्कत की बात, तो ये खा लेते पहले। तो यार मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एना का चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।